अस्सलाम वालेकुम जी, आज मैं लेकर आई हूँ चना चावल की रेसिपी। चलिए शुरू करते हैं। पहले मैं ऐड कर रही हूँ आधा कप ऑयल का। ऑयल को मैं हीरा भोने दूंगी। ऑयल गर्म हो गया, अब मैं ऐड कर रही हूँ एक लार्ज कटा हुआ ऑनियन। मैं ऑनियन को डार्क ब्राउन फ्राई करूंगी क्योंकि मैंने इसका कलर निकालना है। कि मैंने ओनियन इतने ही तक फ्राई करने थे। ओनियन फ्राई हो चुके हैं, अब मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूंगी कि इसका कलर निकल जाए। इसे अब मैं एक मिनट के लिए कुक होने दूंगी। ऐड कर रही हूँ 7 कटी हुई हरी मिर्च और 2 कटे हुए टमाटर। इसे अच्छे से मिक्स कर लूंगी मैं। अब मैं ऐड कर रही हूँ 1 टेबलस्पून सूखा हुआ धनिया और 1 टेबलस्पून जीरा और 1 टेबलस्पून लाल मिर्च। अब मैं इसे मिक्स कर लूंगी अच्छे से। मैं ऐड कर रही हूँ 1 टेबलस्पून नमक और मैं थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ और मसाले को 10 या 15 मिनट तक कुक होने दूंगी कवर करके मीडियम फ्लेम पर। मैं गोया के चने यूज कर रही हूँ। ये चने ऑलरेडी बॉइल्ड हैं, मैं बस इनको वॉश कर लूंगी। मसाला पक चुका है, अब मैं इसे अच्छे से एक दफ़ा मिक्स कर लूंगी कि मसाला साथ ना लग जाए और फिर मैं ऐड करूंगी चने। अब मैं चनों को 10 या 15 मिनट तक पकाऊंगी कि चनों को अच्छे से मसाला लग जाए। अब मैं ऐड कर रही हूँ 1 नींबू और इसे अच्छे से मिक्स करके इसके ऊपर लिड दे के इसे पकने दूंगी। चने पक गए हैं, अब मैं ऐड करूंगी 7 कप पानी के क्योंकि मैं 4 कप चावल के बना रही हूँ। और अब मैं पानी को बॉईल आने दूंगी। जब बॉईल आ जाएगा फिर मैं चावल ऐड करूंगी। पानी बॉईल आ रहा है, अब मैं चावल ऐड कर लूंगी। जब पानी कम्प्लीटली ड्राई हो जाएगा फिर मैं दम दूंगी। अब देखें पानी है, पानी को हमने ड्राई करना है। देखें अभी भी पानी है, पानी को कम्प्लीटली पहले ड्राई होने देना है। पानी ड्राई हो चुका है, अब मैं दम दे दूंगी 15 मिनट के लिए लो फ्लेम पर। अल्हम्दुलिल्लाह चावल पक गए हैं, अब मैं इनको एक दफ़ा अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ आप भी इस रेसिपी को ज़रूर घर में ट्राई कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक कमेंट शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।